हम लोग अपोजिशन में बैठ रहे हैं और हम लोग वही काम करेंगे जो एक जिम्मेदार अपोजिशन को करना चाहिए। और हम लोग गवर्नमेंट को हर इशू में, जहाँ में हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने ठीक से काम नहीं किया है या जहाँ में गवर्नमेंट और ठीक से काम कर सकती है, उसमें हम गवर्नमेंट से सवाल भी पूछेंगे, असेंबली के अंदर भी पूछेंगे और रास्ते में भी पूछेंगे। हर जगह में हम एक ऐसा विपक्ष का काम करेंगे जो त्रिपुरा में एक जिम्मेदारी से अपना काम करें। सर আমরা একটা ইন্ডিয়া টিভিতে আপনার একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম যেখানে আপনি বলেছিলেন যে ইতিমধ্যে আপনার এবং ভারত সরকারের মধ্যে একটি প্রস্তাব এবং ড্রাফট হয়ে গেছে, শুধু সিগনেচারের বাকি ছিল এবং মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চলাতে আপনি সেটা সিগনেচার করেননি। কিন্তু এখন এমন কি হলো, সেই পুরনোটাকে বাদ করে আপনারা আবার ইন্টারনাল লোকেটরের প্রসেসে আপনারা গেলেন এবং কেনই বা গেলেন, পুরনোটা কেন আপনারা রাখলেন না যেটা আপনি ইন্ডিয়া টিভিতে বলেছিলেন? मैंने इंडिया टीवी में क्या बोला है, मैंने कहा था उन्होंने एक ड्राफ्ट दिखाया था, वो ड्राफ्ट था लेकिन हम उसमें साइन नहीं कर सकते थे क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट था, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वी वर रेडी टू साइन। मैंने कहा कि हम साइन भी नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो था, मैंने कभी नहीं कहा था कि हम लोग रेडी टू साइन। इंटरलॉकेटर का बात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बताया, अब वो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर है। हम तो पूरा जिंदगी वेट नहीं कर सकते ना कि आपका तीसरा साल जो इतने साल से हम लोग के साथ इन्होंने विश्वास दिया है, हम तो ऐसा बैठ कर नहीं इंतजार कर सकते। जब उनका अपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा वो उनके ऊपर, जो उन्होंने मुझे बोला था मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ, जो वो लोग करेंगे वो उनके ऊपर है। मैं अपना काम एज अ अपोजिशन पार्टी, वी आर गोइंग टू फाइट द गवर्नमेंट इन द स्ट्रीट्स, इन द विलेजेस एंड इन द असेंबली, बट वी विल डू इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल नॉट bring in any sort of violence which will disrupt the peace and harmony of the state of Uttar Pradesh. Future mein ministry mein jayenge? Future mein aap ministry mein kaise jayenge jab tak hamare logo ko kuch nahi milega? Agar hamare logo ko kuch nahi milega to main aapko bol raha hu main गरीब बनकर रास्ते में मर जाऊंगा, लेकिन मिनिस्ट्री का एक पोस्ट नहीं लूंगा जब तक हमारे लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है। मैं भिखारी बनकर मर जाऊंगा लेकिन मैं मिनिस्ट्री का पोस्ट नहीं लूंगा जब तक हमारे लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलता। और जो अपोजिशन सीपीआईएम हैज सेड दैट दे विल जॉइन वॉइसेस, दे विल जॉइन हैंड्स एंड टॉक इनसाइड द असेंबली एंड आउटसाइड विद कांग्रेस, त्रिपुरा मोर्चा, इवन बीजेपी इफ द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट। सो व्हाट इज द स्टैंड ऑफ योर पार्टी रिगार्डिंग द अदर अपोजिशन पार्टीज? एब्सोल्युटली आई एग्री, व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, when it comes to welfare, when it is, when it comes to our tiprasa rights, when it comes to drinking water, when it comes to jobs, we have to combine as an opposition and speak as one voice. And when it comes to talking about taking on the government, we will take on the government in the assembly and on the outside the assembly, but we will do it with peace, because very important to understand that we are a party which has been elected largely by the tribals. So we also need to ensure that there is communal harmony in the state. So we will ensure that there is communal harmony, but we will keep on pushing for our demands and we will keep on opposing the government till the time our demands are not met. স্যার অপোজিশনের একটা অংশ থেকে এটাও শোনা যাচ্ছে যে নির্বাচনের আগে আপনি রাজ্যের নায়ক ছিলেন নির্বাচনের, কিন্তু নির্বাচনের পর কোথাও ওনারা আপনাকে খলনায়ক বলতে চাইছেন, কারণ আপনি একটা ভোট ডিভাইডেশনের ফলে অপোজিশন সরকারটাকে পরিবর্তন করতে পারেন। ভোটটা ডিভাইড হয়ে চৌধুরী কিউ জিতা ইলেকশন মে? জিতেন্দ্র চৌধুরী ইলেকশন মে কিউ জিতা? আপ ইয়ে বাত ইয়ে জো ইয়ে অফিশিয়াল লাইন নহীঁ হ্যায়। দেখিয়ে মাই জানতা হুঁ कि हर पार्टी में कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सीपीएम का ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, कांग्रेस का ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, बीजेपी का भी ये ऑफिशियल लाइन नहीं है। मेरा हर अधिकार बनता है टू गो एंड फाइट इन सुरमा, कहीं में लिखा है कि आई डोंट हैव अ राइट टू फाइट इन सुरमा, मेरा हर अधिकार बनता है टू गो एंड फाइट इन मजलिशपुर, मेरा अधिकार बनता है मौनपुर में फाइट करने के लिए। ये क्या सिर्फ कहीं में लिखा गया है कि यहाँ में कोई रीजनल पार्टी नहीं फाइट कर सकती? और ये बात क्लियरली मानना पड़ेगा कि हिंदू बंगाली वोट इस बार ज्यादा, आपका सर्वे बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, हिंदू बंगाली वोट पश्चिम बंगाल में ज्यादा बीजेपी को गया, मुस्लिम वोट ज्यादा ममता को गया, त्रिपुरा में सेम ज्यादा बीजेपी को गया है एंड माइनॉरिटी वोट ज्यादा गया है टुवर्ड्स सीपीएम एंड कांग्रेस, और ट्राइबल वोट्स मेरे पास आया है। और आप मुझे बताइए जो जो सीट्स में, आप लोग तो जर्नलिस्ट है, आप लोग प्लीज अपना सर्वे कीजिए, जो जो सीट्स में ट्राइबल के सीट्स में हम लोग हारे हैं वहां में क्या ये बात नहीं हो सकता था? बागमा हम क्यों हारे, शांतिर बाजार, चामनु, मनु,
को कृष्णपुर, तो ये सब बात है। और सेकंड बात है, आप प्लीज देखिए नंबर वन चॉइस, आप सर्वे में देख लीजिए, नंबर वन चॉइस फॉर वोटिंग फॉर द तिपरासा पीपल वॉज तिपरा मोथा। आप लोग सब मानते हैं, मानते हैं, आप मानते हैं। नंबर टू चॉइस कौन सा था पार्टी, आप प्लीज देखिए नंबर टू चॉइस कौन सा था, सीपीएम नहीं था, कांग्रेस नहीं था। तो ये स्वाभाविक है कि एक मूव है वहां में। लेकिन मैंने जो किया, अगर तिपरा मोथा आज नहीं होता तो आप देखते कि बीजेपी 50 सीट लेके इंटरलोकेटेड लेके। नंबर टू चॉइस कौन सा था पार्टी, आप प्लीज देखिए नंबर टू चॉइस कौन सा था, सीपीएम नहीं था, कांग्रेस नहीं था। तो ये स्वाभाविक है कि एक मूव है वहां में। लेकिन मैंने जो किया, अगर तिपरा मोथा आज नहीं होता तो आप देखते कि बीजेपी 50 सीट लेके हमने अमित शाह से बात किया था और अमित शाह ने कहा था कि वो अपॉइंट करेंगे। अब अपेक्षा है, अगर वो अपॉइंट करते हैं तो बहुत अच्छा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर डिले होता है तो वो उनके ऊपर है। लेकिन मैं, जब तक हमारे लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है, हम लोग मंत्रालय में नहीं बैठेंगे। वी विल सिट इन द ऑपोजिशन। थैंक यू।